अहम खबर मणिपुर से, जहां पर हालात अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। यहां दो छात्रों की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल ये दोनों छात्र 6 जुलाई से लापता थे, लेकिन अब कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसे देखकर लग रहा है कि इनकी हत्या की हो सकती है। इम्फाल में इस घटना से गुस्साए प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई है। मणिपुर सरकार ने 29 सितंबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। 1 अक्टूबर तक मोबाइल इंटरनेट पर भी पाबंदी रहेगी। खास बात यह भी है कि बीते शनिवार को ही 5 महीने के बाद इंटरनेट से पाबंदी हटाई गई थी। इस बीच मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने जो ट्वीट किया है वो आप देख रहे हैं। यहां पर उन्होंने सीबीआई की स्पेशल टीम बताया कि आज इम्फाल पहुंच रही है, जिसका नेतृत्व सीबीआई के निदेशक कर रहे हैं। सीएम ने इस बारे में सोशल मीडिया पर बताया कि सीबीआई की स्पेशल टीम यहां दो छात्रों की हत्या की जांच करेगी। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी। आज सीबीआई के विशेष दल एक विशेष विमान से मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचेगी और वो टेक ओवर करेगी जो दो टीनेजर्स हैं उनके जो ब्रूटल किलिंग की केस सामने आई है, क्योंकि फोटोज वायरल हुए हैं। इसके बाद ये लोग जुलाई के 6 तारीख से मिसिंग थे और इसके बाद से ही बहुत ज्यादा वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फिर से कल से जो स्टूडेंट्स हैं वो रस्ते पे उतर आए हैं और कल शाम से रात तक जो लोकेलिटीज हैं जहां से ये लोग बिलोंग करते हैं वहां पे पथराव हुए हैं। वहां पे जो प्रोटेस्टर्स हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके बीच पिच बैटल्स हुए हैं, वो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके बीच ये जो टेंशन है, इसके इंसिडेंट के ऊपर काबू पाने के लिए और भी एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस इम्फाल में डिप्लॉय किए गए हैं, ऐसे पुलिस सूत्रों से हमें खबर लग रही है। और सरकार की माने तो सरकार ये कह रही है कि ये जो दो टीनेजर्स हैं उनके जो मिसिंग केस जो थी वो सीबीआई को पहले से हैंड ओवर की गई थी, मगर अब जबकि फोटो सामने आए हैं उनकी डेड बॉडीज के, तो अब ये इसके साथ जो मर्डर के चार्जेस भी लगाए जाएंगे और इसके साथ इन्वेस्टिगेशन होगी, मगर इनके डेड बॉडी को भी रिकवर करने के लिए ऑपरेशन जारी है। और इसके साथ साथ आज सीबीआई की टीम पहुंचेगी, तो लोगों में आक्रोश है, सरकार के विरुद्ध भी आक्रोश है। सरकार ने अब जो मोबाइल इंटरनेट को फिर से बैन कर दिया है अगले 5 दिनों के लिए, अक्टूबर की 1 तारीख तक। पिछले शनिवार को ही मोबाइल इंटरनेट बैन जो कि लगभग 5 महीने तक था इम्फाल में मणिपुर में, उसको हटाया गया था, मगर फिर से लागू किया गया है। स्कूल बंद रहेंगे अगले 2 दिन, ये प्रिकॉशनरी मेजर हिसाब में ये किया गया जा रहा है। राज्य सरकार की सूत्रों के हवाले ये खबर आ रही है। तो जबकि ऐसा लग रहा था कि मणिपुर में धीरे धीरे से शांति बहाल हो रही है, इस मामले के बाद फिर से जो परिस्थिति है वो गर्मा गई है और जो टेंशन फिर से आया है और इसके ऊपर काबू अभी तक है सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस की, मगर अब निगाहें होगी सीबीआई के ऊपर, तो किस तरह से वो इस इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके जाए।